गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल एंड टुडे आई विल रीड चैप्टर नंबर 3 सावित्री एंड यम. ओके, इन एंशियंट इंडिया देयर वॉज अ किंग हु डिड नॉट हैव अ चाइल्ड. देखिए, प्राचीन समय में भारत में एक राजा था, उसके कोई बच्चा नहीं था. ही वर्शिप्ड द गॉड्स फॉर मैनी ईयर्स, वह कई सालों से भगवान की पूजा कर रहे थे. फाइनली गॉडेस सावित्री गेव द किंग द गिफ्ट ऑफ अ डॉटर. देखिए, अंत में जो है भगवान के रूप में जो लक्ष्मी वो सावित्री जी थी, वो उपहार के रूप में एक राजा को मिली. देखिए उन्हें, देखिए अंत में, मतलब आप कंफ्यूज, मे बी पॉसिबल दैट यू आर कंफ्यूजिंग बिकॉज आई एम सेइंग टू टाइप्स ऑफ रूप, दैट्स व्हाई आई एम वांट टू क्लियर इट. देखिए अंत में भगवान के रूप में सावित्री, ठीक है, वो राजा को मिली एक उपहार सहित, जो उपहार आप बोल सकते हैं, यानी कि लड़की जो है भगवान, यानी कि वो जो राजा था वो कई सालों से पूजा कर रहा था और उनको एक उपहार के रूप में कौन मिली थी, लड़की. और वो लड़की जो थी वो किसका रूप थी, भगवान का, ठीक है. सी वॉज नेम्ड सावित्री, उनका नाम क्या था, सावित्री, आफ्टर द गॉडेस, भगवान के बाद उनका नाम क्या पड़ा, फिर सावित्री, ठीक है. सावित्री वॉज ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, सावित्री बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी. वैन सी ग्रू द किंग आस्क सावित्री टू चूज अ सुटेबल हस्बैंड फॉर हर सेल्फ. जब सावित्री बड़ी हुई तो देखिए जो राजा थे उनके पिता, उन्होंने सावित्री से पूछा किसके लिए एक सही पति ढूंढने के लिए अपने लिए. तो सावित्री ट्रेवल्ड फॉर मैनी ईयर्स, सावित्री जो है उन्होंने कई सालों तक यात्रा की. अंटिल सी रीच्ड अ हर्मिटेज, जब तक कि वह एक एकांतवास तक नहीं पहुंच गई. दे आर मैनी प्रिंसेस लिव्ड एज एस्केटिक्स गिविंग देयर लग्जरी वेल्थ एंड पावर. देखिए वहां पर बहुत सारे राजकुमार थे जो उन्हें, मतलब इतने तपस्वी राजकुमार थे जो उन्हें, देखिए शानदार, यानी कि शानो शौकत, धन और शक्ति उनके पास थी, राजकुमारी के पास. वहाँ पे बहुत सारे ऐसे राजकुमार थे. सावित्री शो अ यंग मैन एंटरिंग अ हॉल, सावित्री ने एक, देखिए, युवा लड़का देखा, आदमी देखा जो क्या कहते हैं कक्ष में प्रवेश कर रहा था. गाइडिंग एन ओल्ड एंड ब्लाइंड मैन, और वह किसको गाइड कर रहा था, देखिए किसकी, मतलब कहने पर चल रहा था, एक बुजुर्ग और अंधे व्यक्ति की. सावित्री आस्क्ड द टीचर, सावित्री ने गुरु से पूछा हुई थी वह कौन है. द टीचर रिप्लाइड, देखिए गुरु ने उत्तर दिया, ही इज प्रिंस सत्यवान, वह राजकुमार सत्यवान है. ही इज अ वर्चुअस मैन, वह बहुत ही अच्छे इंसान हैं. गाइडिंग हिज ब्लाइंड फादर हु लॉस्ट हिज किंगडम, देखिए जो उनको गाइड कर रहे थे अंधे व्यक्ति, वह कौन थे, अंधे पिता थे उनके, वो अपना साम्राज्य खो चुके थे. सावित्री डिसाइडेड टू मैरी सत्यवान, सावित्री ने यह निर्णय लिया कि वह किससे शादी करेंगी, सत्यवान से. व्हेन सावित्री रिटर्न्ड होम, जब सावित्री अपने घर वापस आई तो हर फादर आस्क्ड, उनके पिता ने पूछा, हर वेदर सी हैड चूजन अ ग्रूम फॉर हरसेल्फ, कि क्या उन्होंने अपने लिए एक दूल्हा चुन लिया है, पसंद कर लिया. सावित्री हैप्पीली रिप्लाइड, सावित्री ने देखिए खुश होकर के यह उत्तर दिया, फादर, पिताजी, आई हैव डिसाइडेड टू मैरी सत्यवान, मैं निर्णय ले चुकी हूँ कि मैं सत्यवान से शादी करूंगी. द किंग सोड सत्यवान हॉरोस्कोप टू द एस्ट्रोलॉजर, अब देखिए राजा ने सत्यवान की भविष्यवाणी किसको दिखाई, एस्ट्रोलॉजर को, कुंडली दिखाई, मतलब ठीक है. तो सींग सत्यवान हॉरोस्कोप द एस्ट्रोलॉजर सेड, देखिए अब सत्यवान की जो कुंडली देख करके एस्ट्रोलॉजर ने कहा, क्या कहा भविष्य वक्ता ने, सत्यवान विल डाई वन ईयर फ्रॉम डे, आज से एक साल बाद सत्यवान मर जाएंगे. द किंग वॉज स्टंड टू हियर दिस, देखिए राजा जो है वो बहुत ज़्यादा यह सुन करके हैरान हो गए. एंड रिक्वेस्टेड सावित्री टू चूज समवन एल्स, और सावित्री से प्रार्थना करने लगे कि किसी और को चुन लें, किसी अन्य को. सावित्री सेड, सावित्री ने कहा, बट फादर आई हैव ऑलरेडी चूजन सत्यवान, लेकिन पिताजी अब मैं पहले ही चुन चुकी हूँ, सत्यवान को पसंद कर चुकी हूँ. एंड आई विल नॉट चूज अनोदर मैन, और अब मैं किसी और को नहीं चुनूंगी. हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, बाय.